ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी में प्रदर्शन कर रहे किसानों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एनटीपीसी प्लांट के बाहर लगभग एक महीने से धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसान मुआवजे और रोजगार की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रणव भारद्वाज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रणव, कई दिन हो चुके हैं इस प्रदर्शन को, जो मूल मांगे हैं वो क्या है किसानों की कि जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है? बताऊं, ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पे कि एनटीपीसी एक जो सोसाइटी है वहां पे जो 32 गांव के लोग हैं वो लगभग पिछले एक महीने से इस धरना प्रदर्शन को दे रहे हैं। और उनका साफ तौर से कहना ये है कि उनके जो मुआवजा है, उनकी जो जमीन गई है उनका जो मुआवजा है वो उनको मिलना चाहिए, और उसके बाद में जो रोजगार है वो उनका मिलना चाहिए। और लगातार एक महीने से यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन की कान में कहीं तक भी जू नहीं रही है। अभी हाल फिलहाल जब उनसे मना करने के बाद भी धरना प्रदर्शन लगातार तैयार रहा और चलता रहा, तो उसके बाद में जिस तरीके से जो वाटर कैनन है वो भी यहाँ पे किया गया है, और उसके बाद में किसानों को यहाँ से मौके से हटाने के लिए इस तरीके का वाटर कैनन किया गया। तो कहीं ना कहीं जहाँ सूबे की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ अभी ग्रेटर नोएडा में ही थे, और उसके बावजूद भी किसानों के साथ में इस तरीके की चीजें हो रही हैं, वाटर कैनन किया जा रहा है, उनको वहां से मौके से हटाने के लिए इस तरीके की चीजें, बिल्कुल वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमूमन प्रोटेस्टर्स जो होते हैं उनको हटाने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। अब देखिए, मूल जो बात है वो ये है कि 24 गाँव के किसान, जिसमें हम मुआवजा जब लैंड एक्विजिशन होता है, जब ज़मीन अधिग्रहण होता है, तो उसके मुताबिक जो नॉर्म्स होते हैं हर समय के हिसाब से दिया जाता है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो प्रदेश में तो कितनी सरकारें बदली, और एनटीपीसी का जब जिक्र हो रहा है, कोई लीडरशिप है इन किसानों की, कोई इनका नेता है जिससे बात की जाए? अगर प्रशासन बात नहीं कर रहा, बिना नेता के आपकी बात कौन सुनेगा? हाल फिलहाल जो स्थिति की अगर हम बात करें तो वो स्थिति ये है कि ये किसान खुद ही अड़े ताड़े आके अपनी बातों को रख रहे हैं प्रशासन के आगे। लगभग एक महीने से लगातार धरना चल रहा है। अगर कहीं कोई गठजोड़ होता या कोई नेता होता तो इनकी बात अधिकारियों तक जाती, और कहीं ना कहीं इनकी जो प्रश्न है जो इनके मन में वो कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों तक पहुंचते, लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि ये खुद ही अपनी मांगों को वहां पे रख रहे हैं। जब भी एक महीने से लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन अभी अगर बात करें सुनवाई की तो सुनवाई के नाम पर ढाक के तीन पात नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कोई नेता नहीं है लेकिन प्रदर्शन ये कर रहे हैं, ये मूल बात है। दूसरी बात ये कि जो जमीन अधिग्रहण हुआ तो उसके मुआवजे को लेकर प्रश्न है। दावा ये किया गया था, वायदा किया गया था कि परिवारों को जिनकी जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है रोजगार दिया जाएगा, ऐसा नहीं किया गया। कुछ एक परिवारों को दिया गया, न फ्री बिजली मिलती है, न शिक्षा, न सुविधाएं, जिसको लेकर ये किसान नाराज हैं। लेकिन फिर वही मूल सवाल कि अगर आपका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है तो फिर प्रशासन से आपकी बात कौन करेगा?